दोस्तों, मेरा नाम है संजय। कैसे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ सबसे कम साइज, मतलब 15 से भी कम साइज है इसका, मतलब जो आगे का फ्रंट है वो है 13 और इसकी यहाँ पर गहराई 40, मतलब 520 स्क्वायर फीट पर सिंगल मंजिल का यहाँ पर काम चल रहा है और छत का काम यहाँ पर कम्प्लीट हो चुका है। सेंटी वाला निकल चुकी है, वो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा काम। और यहाँ पर जो साइज हॉल बेडरूम किचन का यहाँ पर जो बनाया गया है उसका साइज मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा और साथ साथ इसकी जो प्लानिंग है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। इस घर को पूरा दिशा पर बनाया जा रहा है, सबसे कम साइज में बनाया गया है, अच्छी प्लानिंग यहाँ पर की गई है। तो यदि आपका प्लाट आपको बनाना है तो इसमें से बहुत सारी चीज़ों को आप चयन कर सकते हैं और अपने प्लान पर आप शामिल कर सकते हैं और अपने घर को और भी सुंदर आप बना सकते हैं। तो आइए चलिए मैं आपको दिखाता हूँ 13x40 520 स्क्वायर फीट पर सिंगल मंजिल की बनती प्लानिंग के बारे में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सामने का फ्रंट दिया गया है यहाँ पर है 13 और इसकी यहाँ पर गहराई 40, मतलब 520 स्क्वायर फीट पर सिंगल मंजिल की यहाँ पर प्लानिंग की गई है। देख सकते हैं यहाँ पर फ्रंट का जो एलिवेशन यहाँ पर बनाया जाएगा उसकी वीडियो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। अभी यहाँ पर चल रहा है प्लास्टर काम, आप यहां पर प्लानिंग की जाएगी और सेंटिंग जो है आप देख सकते हैं अभी अभी निकाली गई है, तो मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा। तो यहां पर जो रोड है और प्लेन की यहां पर जो हाइट है लगभग 1 फीट की हाइट को यहां पर दिया गया है और पोर्च एरिया पे से ही जीने की यहां पर प्लानिंग आप देख सकते हैं यहां पर दी गई है और एक बोर का पॉइंट यहाँ पर भी दिया गया है। तो देख सकते हैं आप पोर्च पर बोर और जीने की यहाँ पर प्लानिंग की गई है। आप देख सकते हैं दो स्टेप पर जीने को यहाँ पर बनाया गया है, सबसे कम साइज पर जीने की यहाँ पर प्लानिंग की गई है। तो आपकी टू व्हीलर गाड़ी आप देख सकते हैं यहाँ पर आसानी से आप पार्किंग कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक किचन की यहाँ पर प्लानिंग की गई है, विंडो यहाँ पर दी गई है फ्रंट पर, ताकि आपके पोर्च एरिया पे से उजाला हवा आपके किचन पर आ सके। और जैसे आप यहाँ पर से आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर किचन की यहाँ पर प्लानिंग की जा रही है। तो सबसे कम साइज है यहाँ पर किचन का यहाँ पर बनाया गया है और हमारे पेंटर बाबू है जो साइड पर एक और काम चल रहा है, उसका कलर पुट्टी भी यहाँ पर करेंगे और जब यहाँ पर जब पूरा फिनिश काम हो जाएगा तो इसकी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। उनका भाई साहब का जो काम है वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँगा। और यदि आपको संपर्क करना है पुट्टी वगैरह कराने के लिए, कलर कराने के लिए, तो मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पोर्च एरिया यहाँ पर बनाया गया है वो 13x6 इसके साइज को दिया गया है। तो आपकी टू व्हीलर गाड़ी आप आसानी से पार्किंग कर सकते हैं और यहीं पर से दूसरी मंजिल के लिए आप जा भी सकते हैं। और इसके साइड में आपको यहाँ पर किचन बताया था, यहाँ पर फ्रंट पर किचन यहाँ पर दिया गया है 7x7 इसके साइज को यहाँ पर बनाया गया है। और किचन के यहाँ से आप आएंगे तो आपको यहाँ पर से एक हॉल बनता हुआ दिखेगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हॉल की प्लानिंग की गई है, सीमेंट और टाइल्स यहाँ पर रखी गई है। अभी यहाँ पर काम चल रहा है तो आप देख सकते हैं थोड़ा फैला रहा है, जब ये पूरा साफ हो जाएगा तो और भी सुंदर यहाँ पर घर लगेगा, वो वीडियो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। 10x12 इसके साइज को यहाँ पर बनाया गया है इस हॉल को। और आप देखेंगे तो यहाँ पर DPC दो जगह दी गई है, छत भी यहाँ से एंट्री निकल चुकी है, लाइट के पॉइंट यहाँ पर आप देखने को मिलेंगे दिए गए हैं। हॉल और हॉल के जस्ट साइड पर आपको यहाँ पर लेतपात बनती हुई दिखेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेतपात को यहाँ पर बनाया गया है और एक सेफ्टी टैंक यहाँ पर दिया गया है, मतलब एक बोर आगे दिया गया है और सेफ्टी टैंक यहाँ पर दिया गया है। तो कामन लेतपात को यहाँ पर बनाया गया है, इसका यहाँ पर जो साइज है वो 7x3 इसके साइज को यहाँ पर दिया गया है, मतलब सबसे कम साइज है। तो प्लानिंग छोटी छोटी की गई है यहाँ पर साइज के हिसाब से। तो लेतपात और इसके जस्ट साइड पर आप यहाँ पर आएंगे, आप लेतपात के जस्ट साइड पर आएंगे तो आपको यहाँ पर एक बेडरूम बनता हुआ दिखेगा। तो बेडरूम पे उजाला आप देख सकते हैं काफ़ी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक विंडो दी गई है ताकि आपके बेडरूम पर उजाला आ सके। तो देख सकते हैं एक बेडरूम की यहाँ पर प्लानिंग की गई है 10x12 इसके साइज को यहाँ पर बनाया गया है। एक बेडरूम, लेतपात, एक हॉल और एक पोर्च एरिया प्लानिंग यहाँ पर की गई है 13x40 520 स्क्वायर फीट पर एक बेडरूम की यहाँ पर प्लानिंग की गई है। तो यहाँ पर जो प्लानिंग की गई है वो टू व्हीलर पार्किंग की यहाँ पर प्लानिंग की गई है और यहाँ पर से जीना आप देख सकते हैं यहाँ पर बनाया गया है और एक टावर की यहाँ पर आपको प्लानिंग बनती हुई दिखेगी।
तो आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।